हाय दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो Realme ने लॉन्च किया था Realme One और आप में से बहुत सारे लोग इस फोन को अभी भी इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो। आप सभी के लिए यानी Realme One यूजर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा है एक न्यूज, बहुत ही अच्छा है गुड न्यूज। अब यह है इसके अपडेट के बारे में, यानी Realme ने Realme One के लिए ऑफिशियली रिलीज कर दिया है या रोल आउट कर दिया है कलर ओएस 5.2 का ऑफिशियल स्टेबल अपडेट। अब आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये मिल गया है, पर अभी भी अगर आपको नहीं मिला है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस अपडेट के बारे में बताऊंगा, यानी कलर ओएस 5.2 जो स्टेबल ऑफिशियल अपडेट, इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, क्या क्या नया फीचर्स इंक्लूड किया गया है। और आपको अगर अभी तक अपडेट नहीं मिला है तो आप स्टेप बाय स्टेप जो मैं कहूंगा उसको फॉलो करके कैसे अपडेट कर सकते हो, पर ये ऑफिशियल है, तो देखते रहिए वीडियो। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला, तो चलुन करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। अब Realme ने ऑफिशियली रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है Realme One के लिए कलर ओएस 5.2 का स्टेबल अपडेट। अब आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये मिल गया है। अब Realme इसको कुछ कुछ फोन में ही दे रहा है, इनिशियल है, ये कैसे काम कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है ये नहीं, इसके लिए उसके बाद आपको धीरे धीरे सबको मिल जाएगा, ये बैचेस में आ रहा है, पर हां ये ऑफिशियल है, ये स्टेबल अपडेट है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स को इंक्लूड किया गया है, ऐसे कलर ओएस 5.2 में जो जो आपको देखने को मिलता है वो सभी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहां पे हाइलाइट्स कुछ फीचर्स के बारे में बताऊं तो नंबर वन, इस अपडेट के बाद आपको विविड मोड और ब्यूटिफिकेशन मोड, ये दो मोड एक साथ यूज करने के लिए मिल जाएगा, यानी आप एट ए टाइम विविड मोड कैमरा में और ब्यूटिफिकेशन मोड, इन दोनों मोड को एक साथ यूज कर पाओगे। अब जो दूसरा वाटरमार्क, यानी पहले तो ये नहीं था, आप अपडेट के बाद यानी आपके Realme One जो है कलर ओएस 5.2 में अपडेट करने के बाद आपको वहां पे वाटर मार्क का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप चाहो तो आपके नाम भी वहां पे ऐड कर सकते हो, तो ये भी एक गजब का फीचर्स दिया गया है। अब आपको अपडेट के बाद यानी कलर ओएस 5.2 अपडेट के बाद Realme One में आपको देखने को मिलेगा जो सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट अप टू डिसंबर 5, तो ये था इसका कुछ हाइलाइट्स फीचर्स। चलिए अब जिस जिस को आपको, आप Realme One का यूजर हो पर आपको नहीं मिला है अभी तक कलर ओएस 5.2 का अपडेट Realme One में, तो आप कैसे इसको कर पाओगे खुद ही, तो ये एकदम ऑफिशियल है, इससे वारंटी अवॉइड नहीं होगा, और आपको जो नेक्स्ट अपडेट OTA के थ्रू जो जो आएगा इन फ्यूचर वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो नंबर वन, मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन पे यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए उस पैकेज को, इतना है काम फास्ट। नंबर टू, ये जो फाइल आपने डाउनलोड किए हो ये आपके फोन के इंटरनल मेमोरी पे ही रखिए, यानी सेव करके रखिए, बाय डिफॉल्ट ये हो जाता है। अब इसके बाद आपको फोन को स्विच ऑफ कर देना है, यानी स्विच ऑफ योर फोन, उसके बाद आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, इन दोनों स्विच को एक साथ प्रेस करना है और होल्ड करके रखना है तब तक आपका फोन बूट होके रिकवरी मोड पे नहीं चला जाता, यानी आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, उसके बाद आपका फोन बूट होगा, बूट होके रिकवरी मोड पे आ जाएगा। बाद आपको वहां पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फाइंड OTA पैकेज एंड इंस्टॉल, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको लैंग्वेज दिखाएगा, यानी आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो आपको इंग्लिश वहां पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा फाइंड इन द फोन, यानी आपके फोन में जो वो पैकेज आपने डाउनलोड किया है उस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है, यानी जो फाइल आपने डाउनलोड किए हैं इंटरनल स्टोरेज पे उसको ही आपको सिलेक्ट करना है। इस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक विंडो देखने को मिलेगा जो है अपडेट, तो आप अपडेट में क्लिक कीजिए और आपका फोन अपडेट होता रहेगा। अब अपडेट कंप्लीट हो जाएगा
तब आपको और एक विंडो वहां पे देखने को मिलेगा, यानी रिबूट का। वहां पे ऑप्शन आएगा रिबूट योर फोन, तो आप वहां पे टैप कीजिए और आपका फोन रिस्टार्ट हो जाएगा। तो अपडेट ऐसे आप कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से आपका रियलमी वन जो फोन है उसको। यही था एक इजी और सिंपल ऑफिशियल प्रोसेस जिसके मदद से आप रियलमी वन में, अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं आया है कलर ओएस 5.2 का, तो आप अपडेट कर सकते हो और ये सेफ है। और एक बात, आप सभी फीचर्स आप आपके फोन में वो यूज कर सकते हो जो आपको कलरवेज 5.2 में देखने को मिलता है। और हाँ, बैटरी कम से कम 70% तक चार्ज होना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है। तो एक बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, इससे मदद होता है भाई, हेल्प होता है। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश कीजिएगा, इससे आपको हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन और अपडेट यूं ही मिलता रहेगा। धन्यवाद।